कस्टम और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरी नियो रामपाल, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि दर्शकों के लिए किस तरीके से क्या जागरूकता करेंगे। और हमारा सवाल आज का होगा कि जो महिलाएं किसी कारणवश विधवा हो जाती हैं, तो उनका ससुराल में प्रॉपर्टी में कितना हिस्सा बनता है। तो गौरी, सबसे पहले आपका स्वागत है स्टूडियो में। तो आप दर्शकों को आप बताएं कि एक महिला अगर विधवा हो जाती है तो उसका कितना हिस्सा बनेगा ससुराल की प्रॉपर्टी में, पति की प्रॉपर्टी में। एक विधवा जब होती है तो पति के प्रॉपर्टी में उसका बराबर का हक होता है। बच्चों को जितना मिलेगा, मदर को जितना मिलेगा उतना ही एक विधवा को मिलता है। अगर एक बेटे की मौत होती है तो फादर को उसमें हिस्सा नहीं मिलता, माँ को मिलता है, उनके बच्चों को मिलता है और एक विधवा को मिलता है। और आपका कहने का ये है कि अगर मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है टोटल पति की, तो 50 लाख उनकी माता के नाम हो जाएगा, 50 लाख उस विधवा लेडी के नाम हो जाएगा। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसके 4 हिस्से होंगे जी, बेटा, बेटी, माता और विधवा जी। नहीं, अगर बच्चा हो ही ना है, एक बच्चा हो तो 1/3 जी तीनों को मिलेगा जी। तो गौरी, दूसरा हमारा सवाल ये होगा कि एक महिला जैसे विधवा हो जाती है और दूसरी जगह वो शादी कर लेती है, तो क्या उसका हिस्सा फिर भी उस प्रॉपर्टी में बनेगा? एक औरत चाहे जितनी भी शादी करे आगे, उसको हर हस्बैंड से एक लीगल हक मिलेगा। पहले हस्बैंड से जो इनहेरिटेंस मिलती है, अगर उनकी पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनको उनकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस मिलेगी। और अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं तो उनको उस फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी से मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस दो अलग चीजें हैं। अगर मान लीजिए उसका एक बच्चा है और वो दूसरी जगह शादी कर लेती है, उस बच्चे को उसके जो एक्स पति हैं, एक्सपर होते हैं, उनके माँ बाप अपने पास रख लेते हैं, तो क्या फिर भी वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार है, बनी रहेगी? उनका जो बच्चा है पहली शादी से और पहले हस्बैंड की यदि डेथ हो जाती है जी, तो आप अगर वो दूसरी शादी भी कर लेती है और यदि उस लेडी की डेथ हो जाती है, तो जो उनको फर्स्ट हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली है और सेकेंड हस्बैंड से, मान लीजिए सेकेंड की भी डेथ हो रही है, जो भी प्रॉपर्टी मिलती है वो बराबर उनके सभी बच्चों में जाएगी, चाहे वो फर्स्ट हस्बैंड से आई हो चाहे वो सेकेंड हस्बैंड से आई हो। यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे जो हिंदू शास्त्र वेदास थे, इन्होंने एक इन समाज में ये जो चल रहा है कानूनी हक वगैरह, ये तब से आ रहे हैं मनुस्मृति के टाइम से। अंग्रेजों ने इसमें अपने कोडिफाइड लॉज लाने शुरू किए। और एक चीज इसमें खास बात यह है कि पहले विधवाओं को हक नहीं मिलता था अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, क्योंकि हमारा समाज एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी था, तो उसमें कोशिश यही रहती थी कि जो जमीन है वो फैमिली मेंबर्स के अंदर रहे। लेकिन इससे औरतों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हस्बैंड की डेथ के बाद, कोई मेंटेनेंस नहीं थी, कोई खर्चा नहीं था, तो पावर्टी बहुत थी, गरीबीपन आ रहा था, औरतें बहुत ही असहाय हो गई। तो अंग्रेजों के टाइम से 1937 में एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आया, जो ये कहता है कि एक हस्बैंड की डेथ के बाद विडो को लिमिटेड एस्टेट मिलेगा। मतलब उनकी डेथ के बाद जो उनको अपने फर्स्ट हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली थी वो वापस फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली को चले जाएगी। लेकिन 1956 के बाद एक अमेंडमेंट आई, प्रस्ताव आया कि जो एक विधवा है उसको, जो भी एक लेडी को जो भी प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो उसकी वो एब्सोल्यूट ओनरशिप होगी। तो अगर हस्बैंड की डेथ हो भी जाती है और लेडी की डेथ के बाद जो उनके हक में जो प्रॉपर्टी है वो उनकी हस्बैंड की एयर्स में जाने से अच्छा है कि उनके अपने बच्चों को आगे जाएगी, वो एब्सोल्यूट ओनरशिप उनकी है। और एक बात ये बताएं दर्शकों को, जो मेरा भी सवाल है, जनता का भी सवाल है आपसे, कि एक प्रॉपर्टी मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए उस महिला को मिल गया, और भगवान ना करे उस महिला का 10 साल 15 साल बाद देहांत हो जाता है, तो जो पहली ससुराल से जो पैसा उसको मिला, जो प्रॉपर्टी उसको मिली, तो क्या वो वापस प्रॉपर्टी जो सेकंड हस्बैंड उनके नाम रहेगी या जो पहले हस्बैंड थे उनके माँ बाप के नाम वापस चली जाएगी? जो भी प्रॉपर्टी एक विधवा को मिलती है अपने फर्स्ट हस्बैंड से, यदि उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट मैरिज से बच्चे हैं या सेकेंड मैरिज से बच्चे हैं, सारे बच्चों में बराबर बटेगी, बच्चे और जो सेकेंड हस्बैंड हो गया उनको मिलेगी।
यदि हस्बैंड नहीं है, बच्चे भी नहीं है, तो जो फर्स्ट हस्बैंड से प्रॉपर्टी मिली है वो फर्स्ट हस्बैंड की फैमिली में जाएगी, सेकेंड हस्बैंड से जो प्रॉपर्टी मिली है वो सेकेंड हस्बैंड की प्रॉपर्टी में जाएगी। यहाँ पे एक खास बात ये है कि हस्बैंड की फैमिली को प्रेफरेंस दिया जाता है विमेन्स प्रॉपर्टी में, वो इसीलिए क्योंकि एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी तो लैंड फ्रैगमेंट ना हो, इसीलिए हस्बैंड की फैमिली को एक प्रायोरिटी दी गई है, जो कि हमारा लॉ कमीशन ये भी मानता है कि ये गलत है। अगर जो प्रॉपर्टी उसके मायके से आ रही है वो उसको मायके वालों को जानी चाहिए, जो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड से आ रही है वो हस्बैंड की फैमिली को जाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 1,00,000 रुपए है और महिला के हिस्से कितना पैसा आएगा और उससे जो है जो बच्चे उनके हिस्से में कितना पैसा आएगा और जो एक्सपायर हो चुके उनके हस्बैंड उनके माँ बाप के हिस्से में कितना पैसा आएगा, आप ये दसों को बताएं। जो एक लेडी है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, जब वो विधवा आती है तो उनका क्या हक है जी। जो लेडी है जिनके हस्बैंड की डेथ होगी, अगर हस्बैंड 1,00,000 रुपए छोड़ के जाते हैं तो 1/4 माँ को मिल जाएगा जी। बेटे को 1/4 मिल जाएगा, डॉटर को 1/4 मिल जाएगा, विधवा को 1/4 मिल जाएगा, तो सबको 25,000 बराबर का मिल गया। भाइयों का इसमें नहीं है क्योंकि उनकी विधवा है, मां है और बच्चे, तो भाइयों का उसमें कोई हक नहीं है। लेकिन वो बच्चे अगर दादा दादी के साथ रहना चाहें तो पैसा जो लॉ है वो लॉ है, चाहे बच्चे किसी के साथ भी रहे वो बराबर हिस्सा। और यदि एक लेडी की डेथ होती है तो 1,00,000 वो छोड़ के जा रही है पीछे, तो उसका उनको उनके बच्चों को मिलेगा, चाहे एक बच्चा है पहली शादी से दूसरी शादी से, तो वो बच्चों को बराबर मिलेगा। तीसरा सवाल आज दर्शक जानना चाहते हैं, आज का समय की लिविंग को कोर्ट ने भी मान्यता दे दी है, एक महिला विधवा होने के बाद लिविंग में रहती है तो क्या उसका हिस्सा फिर भी वहां ससुराल में बनता है, पहले ससुराल में? और जब भी वो बिना बताए, ऐसा जाकर केस में देखा गया कि ससुराल पक्ष के जब कोर्ट में केस चले होते हैं तो वो बताते कि ये महिला तो किसी दूसरे के साथ रहती है और ये हम पे बिना वजह का दबाव बनाया जा रहा है। आप विधवा की बात कर रहे जी? मैं विधवा की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो विधवा या तो शादी कर लेती है या लिविंग में अगर किसी के साथ रह रही है तो उस केस में क्या होगा? देखिए, अगर विधवाएं वो अगर आगे लिविंग में भी रह रही हैं तो ये कानूनी तौर पे अवैध नहीं है, तो उनको पूरा हक मिलेगा, इनहेरिटेंस में पूरा हक मिलेगा और मेंटेनेंस उनको मिलनी चाहिए। अगर वो अपने हक पर, अपने दम पर कुछ नहीं कमा पा रही तो उन्होंने, एक शादी ऐसी चीज है जिसमें वुमेन का एक साइलेंट रोल होता है, वो चाहे खाना बना रही है, कपड़े धो रही है, घर चला रही है, उसका उनको खर्चा पानी जो भी है वो उनको एक हक के तौर पे हस्बैंड की डेथ के बाद मिल रहा है, तो आगे वो उनको मिलने के बाद आगे की वो लाइफ चाहे वो लिव इन में करें चाहे दूसरी शादी करें, उस पे समाज को ही नहीं होता टिप्पणी देने की। कोर्ट ये कहता है कि पैसा बराबर बराबर मिलना चाहिए, इतना कानून ये कहता है, कानून ये कहता है इतना पैसा मिलना चाहिए। वही एक बात और बताएं कि कोई हमें ऐसे जनता को एग्जाम्पल दें जो कोर्ट के माध्यम से डिसीजन आए हो और वो महिला के फेवर में ना हो, जिससे कि कुछ राहत मिल सके उन बुजुर्ग को, उन ससुराल पक्ष को भी जो आपसे देखे, पर आप बताए उन्हें एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा भी हुआ है जो नाजायज इस कानून का फायदा ना उठा सके। देखिए, इससे पहले कि मैं इस पर आऊं, मैं आपको कुछ और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे एक वुमेन एक एब्सोल्यूट ओनरशिप हुई 1956 में उसकी प्रॉपर्टी की, तो 2005 में एक बेटा बेटी को बराबर का हक मिलने लगा। तो ऐसे में क्या है कि माता पिता की प्रॉपर्टी में भी बेटियों को उतना ही हक मिलने लगा जितना कि एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी उनको मिलता, तो कहीं ना कहीं समाज में वो जो इनइक्वालिटी थी वो कानून ने कोशिश की कि वो बराबर स्तर पे औरतों को आए जाए। अब ऐसे में क्या हुआ, 2005 के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आने लगे जहां जो डॉटर्स थी उन्होंने अपने माँ बाप की हेल्प नहीं करी बुढ़ापे में, पर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आई बराबर का। तो दिल्ली हाईकोर्ट की इसमें बहुत अच्छी जजमेंट है, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ये होल्ड किया है कि अगर आप अपने माता पिता का देख रेख नहीं करते, मेडिकल उनको हॉस्पिटल एक्सपेंसिस नहीं देखते, बाकी उनकी मेंटेनेंस कुछ नहीं करते, तो प्रॉपर्टी में भी आपको बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इक्वल राइट्स एंड इक्विटेबल ड्यूटीज। आप अगर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते एक बेटी के तौर पे, तो आप अपने भाई से वो हक भी नहीं मांग सकते जो भाई ने खर्चा किया अपने माता पिता की देखरेख में। और ऐसे ही एक सीनियर सिटीजन लॉ भी आया है
जिसमें यही है कि जब माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे देते हैं, विल कर देते हैं, तो बाद में वो विल वो रिवोक कर सकते हैं जब बच्चे उनकी देखरेख नहीं करते। गौरी एक सवाल है जो ज्यादातर शायद पुरुष अगर देख रहे होंगे तो वो शायद जरूर सुनना चाहेंगे इस चीज को लेकर के, कि एक महिला 1,00,000 रूपये महीने का कमाती है और एक पुरुष महीने का 20,000 रूपये कमाता है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन किसी कारणवश उनका डिवोर्स हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं। हस्बैंड कितना कमाते हैं? 20,000 रूपये कमाते हैं। 20,000, ठीक है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, पॉसिबल। तो क्या वो महिला डिवोर्स के बाद अगर उस हस्बैंड पे केस डाल देती मुझे कुछ खर्चा पानी चाहिए, तो आप क्या कहती है इस चीज में कानून के तहत? देखिए कानून इसमें बहुत क्लियर है कि जो भी स्पाउस अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता, दूसरे स्पाउस को है कि वो अपने पार्टनर को मेंटेन करे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इसमें कोई जेंडर इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो अगर एक हस्बैंड 20,000 कमा रहे हैं और वाइफ 1,00,000 कमा रही है, तो हस्बैंड को मिलना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो 20,000 कमा रहे हैं, नहीं मिलना चाहिए। पर यदि आपको लगता है कि हस्बैंड को मिलना चाहिए, तो हस्बैंड भी अगर कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट का डिसीजन है। मेरा सवाल ये है गौरी कि एक महिला अगर 1,00,000 रूपये कमा रही है, आप सभी आप शायद मेरी बात से सहमत हो या ना हो, आप गौरी उनका जवाब देंगे इस ढंग से, 1,00,000 रूपये महिला कमाती है महीने का और 20,000 रूपये उनका हस्बैंड कमाता है, ठीक है, उसके बाद वो उनका डिवोर्स हो जाता है और वो महिला अपने हस्बैंड पे केस डाल देती है कि मुझे कुछ खर्चे का मुझे कुछ खर्चा चाहिए महीने के हिसाब से, तो क्या वो 20,000 रूपये कमाने वाला कहाँ हो कि 1,00,000 रूपये करने गए लेडी की, तो क्या जायज है और क्या कोर्ट महिला के फेवर में डिसीजन देगा? जी कोई भी समझदार वकील होगा तो वो इस केस में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक वाइफ जो ज्यादा कमा रही है वो हस्बैंड से ले, ऐसा ज्यादातर नहीं होता। या हम कहें कि बराबर अगर कमा रही है तो? बराबर अगर कमा रहे हैं, शादी टूट गई तो यस, औरतें हैं जो मेंटेनेंस मांगती हैं, अपना हिस्सा मांगती हैं, क्योंकि हम औरतों के लिए समाज आज भी पिछड़ा हुआ है एंड वो एक टैग लेके चलते हैं, स्टिग्मा लेके चलते हैं कि ये डिवोर्स है, इसमें कोई गलती होगी तभी इसका डिवोर्स हुआ है, तो आगे उसको अगर अपनी लाइफ सेटल करनी है तो उसके लिए मुश्किल होता है। एक सवाल और जनता शायद आपसे पूछी होगी कि मान लीजिए एक पुरुष 50,000 रूपये महीने का कमाता है और एक लेडी 50,000 रूपये कमाती है, दोनों का डिवोर्स हो गया, ठीक है, कोर्ट भी ये कह देता है कि उस पुरुष को कि भाई आपने अपनी एक्स वाइफ को कुछ खर्चा देना होगा, अब वो पुरुष कहीं और दूसरी जगह शादी करेगा, बच्चे भी होंगे, तो उसकी तो अर्निंग वैसे ही कम हो जाती है और ज्यादा 50 से भी कम हो जाएगा, अगर वो 10,000 रूपये महीने का पहली वाइफ को देगा 40 रह गए तो 40 उसको अपने बच्चों का भी करना है, लेकिन उस महिला की अर्निंग बढ़ गई 10,000 रूपये वो और 50,000 रूपये एक्स्ट्रा कमा रही है, 60,000 रूपये उसका हो जाता है और वो कहीं और शादी कर लेती है, तो इस मामले में आप क्या सामाजिक तौर पर कानूनी तौर पर? मैं कानूनी तौर पर ही टिप्पणी दूंगी, सामाजिक तौर में मैं टिप्पणी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे एज अ लॉयर आई हूँ, तो अगर वाइफ दूसरी शादी कर लेती है तो 125 सीआरपीसी के तहत उनको मेंटेनेंस नहीं मिलती फ्रॉम फर्स्ट हस्बैंड। मान लीजिए हस्बैंड दूसरी शादी कर लेते हैं और वाइफ दूसरी शादी नहीं करती, तो उनको वो लगातार जो 10,000 रूपये जैसा आप कह रहे हैं वो मिलते रहते हैं। तौर पे मैं आपको आजकल बेनामी लॉ के बारे में बताना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लेते हैं टैक्स बचाने के चक्कर में, और भी कोई जैसे एक पति पत्नी साथ जीवन सोचते हैं हम काटेंगे, पर आगे चल के डिवोर्स हो जाता है, तो जहां वाइफ ने कोई पेमेंट ना करी हो, तो दिल्ली हाईकोर्ट की एक ऐसी भी जजमेंट है जिसमें वो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी हस्बैंड को जाएगी, वाइफ को नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करी। ये किस तरीके से एक्सप्लेन हो पाता है कि अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा या कैसे? ये आजकल सारी ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक होती है, तो एविडेंस के स्टेज पे ये प्रूव कर सकते हैं वकील। जाते जाते मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक औरत चाहे वो विधवा हो, उसको अपने फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का पूरा राइट है, मेंटेनेंस का राइट तब तक है जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेती। मान लीजिए दूसरे हस्बैंड की भी डेथ हो जाए तो दूसरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी से भी उनको वो हक मिलेगा, फिर जब वो तीसरी शादी कर लेंगी तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो एक औरत को कानूनी तौर पर हक है और हर औरत को उसके लिए अपना इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए, कोर्ट में आना चाहिए। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता गौरी रामपाल थी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से महिला का कितना हिस्सा है प्रॉपर्टी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरी।